आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक क्रेट ऑफ एग है, वो क्या है? एक पिकअप ट्रक का जो फ्लैट बेड है, पीछे जो फ्लैट बेड रहते हैं, पीछे जो कैरियर टाइप रहते हैं, उसका मिडिल में हम लोग क्रेट ऑफ एग्स रखा है। ओके, ये ट्रक क्या है, अभी एक कर्व रोटेट करने जा रहे हैं, एक कर्व से थ्रू, दैट इज एक रोड में एक कर्व है, अनबैंक्ड कर्व है, मतलब उसका इनवर्ड एड्ज और आउटवर्ड एड्ज के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। ओके, द कर्व में बी कंसिडर्ड एज एन आर्क, हम लोग को बोला गया कि कर्व क्या है, 35 मीटर रेडियस का एक आर्क जैसा है। ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग को दिया गया है, ये क्रेट ऑफ एग और ये जो फ्लैट बेड के बीच में 0.6 है। स्पीड हम लोग को पूछ रहे हैं कि ये ट्रक कितना स्पीड में जाना चाहिए, कितना स्पीड तक ये ट्रक को जा सकते हैं ताकि ये क्रेट स्लाइड ना हुए, कितना स्पीड तक जा सकते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो हम लोग को ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये ज़रूरी है कि ये जब टर्न करेगा तब क्या होते हैं। ऑलराइट, तो सपोज ये है सर्कुलर आर्क, ओके, और हम लोग का ट्रक जो है वो क्या है, ये डायरेक्शन में है। ऑलराइट, तो ये हम लोग का एक ट्रे है, सपोज एक ट्रे है। ऑलराइट, और ये अभी कर्व करने जा रहे, और ये एक ट्रे अभी क्या है, इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स से जस्ट स्लाइड करने के पहले अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका क्या होगा, ये डायरेक्शन में उसका एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, FS एक्ट करेगा उसको स्लाइड करके करने के लिए, रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा ये डायरेक्शन में। और ये क्या है, ये जो ट्रक मूव कर रहे हैं, तो ये जो क्रेट ऑफ एग है वो क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एक एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, देयरफॉर क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक स्यूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक्ट करेगा ये फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑलराइट, तो जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एफएस ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तब तक क्या हो, नहीं होगा, ये क्रेट उधर से हिलेगा नहीं। लेकिन हम लोगों को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो ओमेगा जैसे इंक्रीज होगा, mr ओमेगा स्क्वायर मतलब mv स्क्वायर डिवाइड बाय r होते, v जैसे इंक्रीज होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका ऊपर इसको इंक्रीज नहीं कर सकता। देयरफॉर अगर हम लोग वी ज्यादा वेलोसिटी में जा रहे, मतलब ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और एक एक पर्टिकुलर केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम ये क्रेट स्लाइड होगा। तो मैक्सिमम केस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू ये स्टैटिक फ्रिक्शनल लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स, इट इज इक्वल टू, ये करने समय हम लोग को जो वी है वो है हम लोग का मैक्सिमम कितना वेलोसिटी में ट्रेवल कर सकते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। राइट, mm कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग को मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय, ओके, r इंटू म्यू इंटू जी, mm कैंसिल हो गया। ऑलराइट, इट इज इक्वल टू r, हम लोग को दिया गया कि 35 मीटर है और म्यू का वैल्यू 0.6 दिया गया है हम लोग को क्वेश्चन में, इंटू हम लोग g 9.8 लेंगे। ऑलराइट, G9.8 लेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग को मिलेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 0.6 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 205.8 मिलेगा। ऑलराइट, बट ये V स्क्वायर है, हम लोग को चाहिए V, इधर से हम लोग को मिलेगा V इज इक्वल टू रूट ऑफ 205.8 इज इक्वल टू 14.3 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही है, ऑप्शंस अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में हम लोग का आंसर है, देयरफॉर दिस इज द राइट चॉइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।